लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले। साहू का प्लान बी, क्या लोकअप में है गौतम? अब क्या होगा गौतम का प्लान बी? क्या सुनकर अमृता हुई शॉक। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी स्टार्टेड स्टोरी सीरीज में बताया था कि कैसे साहू का बदला लेने के लिए और उसे गद्दी से हटाने के लिए रॉय के असली बेटे गौतम ने साहू के प्लान पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, यानी वो उसका लास्ट प्लान ही एग्जीक्यूट करने लगा, जिससे कि मुंबई पुलिस की नजर उस पर पड़े। पर जैसा सबने सोचा था, उसका प्लान इससे कहीं ज्यादा अलग था, क्योंकि पुलिस की नजर खुद पर पड़वाने की जगह वो खुद ही उनके हाथ लग गया। जैसे ही अमृता और अशोक को इस अननोन चोर की प्लानिंग समझ आई, वैसे ही गौतम वो सारा चुराया हुआ पैसा लेकर पुलिस स्टेशन ही पहुंच गया और खुद को सरेंडर कर दिया। अब वो सबके सामने एक इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा है, उसके हाथ में हथकड़ी है और चेहरे पर स्माइल। वो पेंटेड ग्लास की तरफ देख रहा, मुस्कुरा रहा है, जिसके पीछे अमृता और अशोक अपने सीनियर ऑफिसर के साथ खड़े उसे देख रहे हैं। यहाँ अशोक ऑफिसर से कहता है कि अगर इसे चोरी किया हुआ पैसा चाहिए ही नहीं, तो इसने इतनी बड़ी चोरी करी क्यों, और अगर करी ही थी तो यहाँ क्यों आया। जिसके जवाब में अमृता कहती है, ये जितना चालाक लगता है उतना है नहीं, जरूर ही इसके पीछे इसकी कोई वजह होगी। इतना कहते ही वो खुद उस रूम की तरफ बढ़ती है और उसके सामने जा पहुंचती है। अरे आइए अमृता मैडम, आइए, आपका ही तो इंतजार था, गौतम मजाक करते हुए कहता है। जिसके जवाब में अमृता कहती है, अच्छा तो ये चोरी मुझसे मिलने के लिए की? ऐसे ही समझ लीजिए, बड़े किस्से जो सुने हैं आपके, गौतम उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है। जिसके जवाब में अमृता उसके सामने बैठती है और अपनी बंदूक टेबल पर रख देती है और उससे कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए यहाँ बैठी रहूं। इस ड्रामे के पीछे की वजह बताओ या अभी अंदर जाओ। अब इसके जवाब में गौतम सीधे पॉइंट पर आता है और सिर्फ एक नाम लेता है, साहू, याद है ना, उसके ही लिए। अमृता चौंक कर उसे बीच में ही पूछती है, साहू उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? जिसके जवाब में गौतम बताता है, अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मुझे इन पैसों में या जेल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि मैं मुंबई पुलिस के लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ, एक ऐसा ऑफर जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अमृता पूछती है, क्या? तो गौतम कहता है, ऑफर साहू के पकड़ने का। मुझे पता है कि पुलिस फोर्स अभी भी उसे पकड़ने का प्लान बना रही है, लेकिन जब तक तुम्हारे पास उसके जैसे कोई नहीं होगा, तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे, और मैं उसे पकड़ने के लिए ही बना हूँ। मुझे पुलिस फोर्स से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस साहू के 10 मिनट चाहिए, उसके बाद वो तुम लोगों का जो करना है करो। इतना सब सुनने के बाद अमृता सिर्फ एक सवाल पूछती है, तुम हो कौन और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमारे साथ काम करोगे, वो भी साहू को पकड़ने के लिए? इसके जवाब में गौतम खड़ा होता है, ग्लास की तरफ देखता है और लगभग अशोक से ही नजर मिलाकर ये कहता है, मैं हूँ देवराज का बेटा। और बस ये सुनते ही अशोक चौंक जाता है और सीन यहाँ से कट हो जाता है। अब जितने सवाल इस वक्त अशोक और अमृता के दिमाग में आ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे कि सबसे पहले तो आखिर ये गौतम सबसे झूठ क्यों बोल रहा है और इससे उसे क्या हासिल हो जाएगा और उसे क्या मिलेगा और क्या पुलिस डिपार्टमेंट सच में उसका साथ देगा या एक अंडरवर्ल्ड डॉन का बेटा होने की वजह से उसे जेल में डाल देंगे। ये तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तब तक आप कमेंट्स में ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बारे में, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।